मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था पावर स्टार पवन सिंह और सलमान खान को लेकर के, तो उसमें एक क्लिप लगाया था जहां पावर स्टार खुद बता रहे थे कि वो सलमान खान के साथ जल्द ही मिल सकते हैं। वो क्लिप देखने के बाद से काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं फिर से लगा देता हूँ, थोड़ा सा क्लिप पहले देख लीजिए, फिर बात करते हैं कि आखिर अब क्या ही स्वर पकड़ लिया इस खबर ने। नाम है सलमान खान। क्यों फेवरेट है आपके? क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, जहाँ तक मैं उनको सुना हूँ जाना हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले भी हैं। तो मिल बैठ। जी हाँ, उस वीडियो को अब तक 2.5 लाख लोग देखे हैं और पावर स्टार पवन सिंह को भी उतना ही लोग देखे हैं। उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री के जो दर्शक थे पावर स्टार पवन सिंह के पेजेस पे जाकर के, फैन पेजेस पे जाकर के कमेंट करने लगे कि आखिर ये कब होने वाला है। आप यकीन मानिए कि अब ये गाना जल्द ही आ सकता है। जी हाँ गाइस, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब तक इस चीज़ को लाइटली लिया जा रहा था, लेकिन अब फैंस की नज़रों में चला गया है और पावर स्टार पवन सिंह का ये गाना अब आ सकता है। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड में इस टाइम किस तरह से धूम मचा रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सलमान खान भी इस टाइम फिल्म नहीं कर रहे हैं, उनका एक दो एल्बम आया था, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ, एल्बम का फोटो भी लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। जी हाँ, तो पावर स्टार पवन सिंह के पास भी टाइम है और सलमान खान के पास भी टाइम है, अब हो सकता है कि गाना जल्द ही आ जाए। अब वैसे कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इन दोनों को एक साथ देखने के लिए, क्योंकि ये दोनों आज तक कभी आमने सामने नहीं आए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से खेसारी लाल यादव बिग बॉस में गए थे तो उनसे आमना सामना हुआ था और खेसारी लाल यादव से अच्छा खासा परिचय भी है सलमान खान से। तो अब पावर स्टार पवन सिंह की बारी है, क्योंकि पवन सिंह अभी बिग बॉस में भी नहीं गए हैं और दोबारा कहीं मिलने का मौका भी नहीं मिला है, लेकिन अब डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर मिलने वाले हैं। कमेंट कीजिए।